हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ 100 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज जॉइंड टू अ 24 वोल्ट बैटरी थ्रू अ 1 मेगा ओम रेजिस्टर। प्लॉट क्वालिटेटिव ग्राफ्स बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, बिटवीन चार्ज एंड टाइम फॉर द सेम पीरियड। ओके, सो हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है। जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, दैट इज 100 माइक्रो फैरेड। जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 मेगा ओम। एंड जो बैटरी का ईएमएफ है दैट इज 24 वोल्ट। नाउ टी इज इक्वल टू जीरो पे आप इस सर्किट को कंप्लीट करते हो। सो क्या होगा कि इस सर्किट में एक करंट आएगा आई, जो कि टाइम का फंक्शन होगा, दैट इज आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पे जो आई नॉट है वो मैक्सिमम करंट है इस सर्किट में, जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आता है। जैसे ही आप इस सर्किट में स्विच को क्लोज करोगे, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट आएगा, जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है ई बाय आर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ई की वैल्यू है 24 और आर की वैल्यू है 1 मेगा ओम। सो दैट इज 10 राइज टू द पावर 6 ओम। So it will become 24 into 10 raised to the power minus 6 ampere, or you can say 24 micro ampere, right? Now आप देखो कि जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और जो करंट है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है t is equal to infinite पे, that is zero. तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डायरेक्टली यूज करनी है इस तरह के क्वेश्चंस में। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो टिल टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आप देखो ये कितना होगा, 600 सेकेंड्स, है ना, 600 सेकेंड्स तक ही प्लॉट करना है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 600। सो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो I is equal to I naught. I naught कितना है 24 e raised to the power minus t by tau. यहाँ पे जो t है that is 600 और tau कितना है, अब tau देखो tau क्या है, time constant, that is RC. For this particular question R की value कितनी है 10 raised to the power 6 और C कितना है 100 into 10 raised to the power minus 6. So ये कितना हो जाएगा 100, है ना। सो यहाँ पे 24 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी 600 और डिवाइडेड बाय टाउ की वैल्यू है 100। सो ये कितना निकल के आएगा, 24 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 6। अब देखो जो ई है ना वो एक नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 2.7। सो दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 2.7 रेज टू द पावर 6, राइट। सो ये वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 2.7 एंड राइज टू द पावर 6, कितना निकल के आएगा, 0.062। सो ये हो जाएगा 0.062। नाउ आप ग्राफ प्लॉट कर लो। आप वाई एक्सिस में करंट ले लो जो कि माइक्रो एम्पियर में है, और एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम, है ना, जो कि सेकेंड्स में। टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू 600। टी इज इक्वल टू जीरो पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, दैट इज 24 माइक्रो एम्पियर, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। टी इज इक्वल टू 600 पे जो करंट की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो करंट आने वाला है दैट इज 0.062 ना। और आप ये जो ग्राफ है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो इसको आप चाहो तो इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देने का जो मकसद है वो ये है कि आप देखो जो करंट है वो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, मीन्स इनफाइनाइट टाइम लेगा जीरो होने के लिए, बट उसकी जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो गई है 10 मिनट्स के अंदर ही। 24 से नेग्लिजिबल वैल्यू हो गई है ना, 0.062, 10 मिनट्स के अंदर ही उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई। ऐसा नहीं है कि करंट इनफाइनाइट टाइम पे जाके जीरो होगा, तो बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, सेम चीज़ हम चार्ज के लिए भी कर सकते हैं।
अब देखो कि जब इस सर्किट में करंट आएगा तो उस करंट के कारण क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो चार्ज आएगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा, क्यू विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट विल बी क्यू नॉट ई वन माइनस ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है जो कि टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आएगा। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज होगा और दैट इज जो मैक्सिमम चार्ज आएगा दैट इज सी। सो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है दैट इज 100 माइक्रो फेरेड और जो ई है दैट इज 24। सो ये आ जाएगा 2400 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम क्यों? बिकॉज मैंने कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को माइक्रो फेरेड में लिया है, राइट। सो आप देखो ये हो जाएगा क्यू नॉट दैट इज 2400 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई टाउ, की वैल्यू आपने निकाली थी ऊपर दैट इज 100। नाउ अगर मैं कहूँ t इज इक्वल टू 600 सेकेंड पे वॉट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो आप निकाल सकते हो 2400 1 माइनस e रेज टू द पावर t की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 600। अगर t की वैल्यू 600 पुट करोगे तो 600 बाय 100 दैट विल बिकम 6 e रेज टू द पावर माइनस 6। सो 2400 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की वैल्यू होती है 2.7, सो 2.7 रेज टू द पावर 6। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इस कैलकुलेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ना, 1 माइनस 1 बाय 2.7 राइज टू द पावर 6 0.997। और इसमें अगर हम 2400 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2393। तो ये जो आंसर आ रहा है दैट इज 2393 माइक्रो कूलम, राइट। सो आप देखो जो कैपेसिटर है ना उसमें जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वाई एक्सिस में चार्ज और एक्स एक्सिस में टाइम, आपका जो चार्ज है वो माइक्रो कूलम में है और जो टाइम है वो सेकेंड में। अगर आप टी इज इक्वल टू जीरो पे देखो तो जो चार्ज था वो जीरो था, लाइक इनिशियली जब आपने कैपेसिटर को सर्किट में लगाया था तो उसमें कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज था। और टी इज इक्वल टू 600 सेकेंड पे उसमें जो चार्ज आया है दैट इज 2393, है ना, कितना था 2393। और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। और मैक्सिमम चार्ज कितना है 2400, राइट। तो और वो मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो अगर आप चाहते हो तो आप इस ग्राफ को एक्सटेंड भी कर सकते हो इस तरह से, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके जो चार्ज की वैल्यू है वो 2400 होगी। नाउ यहाँ पे आप देखो कि जो चार्ज है वो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके अपनी मैक्सिमम वैल्यू विच इज 2400 को अटेन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज बहुत धीरे धीरे जाएगा कैपेसिटर में। अगर आप देखो 10 मिनट्स के अंदर ही जो चार्ज है उसने 2393, है ना, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की काफी क्लोज वो चला गया है। 99.9% जो चार्ज है वो 99.9% से ज्यादा का चार्ज वो 10 मिनट्स के अंदर ही हो चुका है। तो बस यही था इस डेटा को देने का, यू नो सेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग एट दिस।